प्रवचन जिंदगी है, प्रवचन खुशी है, प्रवचन आनंद है, प्रवचन सुख है, प्रवचन से मन समझ जाता है। प्रवचन सुनते सुनते कितनों की गुस्सा शांत हुई है, कितनों का अहंकार कम हुआ है और कितनों का लोभ कम हो गया है, कितने के घर में कलह कलेश कम हुआ है। प्रवचन के प्रभाव से कितने लोगों के घर में शांति आई है। आप प्रवचन का लाभ लेते रहना। और मैं आपको बताऊं, सत्संग एक भजन हमारे संत गाते हैं, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों। सब गाइए, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे। ताली बजाकर गाओ, मुंह से बोलो, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों है, सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, गुरुदेव तुम्हारे चरणों, जय हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, हे संत तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, हे संत तुम्हारे चरणों में। दुनिया में दो प्रकार का सुख है, एक सच्चा सुख है, दूसरा झूठा सुख है। झूठा सुख मनुष्य को बहुत आकर्षित करता है, झूठा सुख शुरू में तो सुख लगता है लेकिन उसका अंत बड़ा दुखद होता है। सच्चा सुख शुरू में कठिन लगता है लेकिन उसका अंत बहुत सुखदायी होता है। भक्ति का मार्ग सुख का मार्ग है, सत्संग का पथ सुख का रास्ता है। सदाचारी बनो,
कबीर साहेब कहते हैं, जतन पूर्वक मनुष्य जीवन को संभालना, इस जीवन की कीमत को समझना, प्रसन्न होकर के जीना, अपने परिवार को भी प्रसन्न रखना, दुख ना देना परिवार के सदस्यों को, घर को मंदिर जैसा बना लेना, आश्रम तुम्हारा घर हो जाए, अकेले भी बैठना तो प्रसन्न होकर बैठना, चिंता छोड़ो सुख से जियो इस फार्मूले को अपना लेना, रतन का जतन करो, माड़ी का श्रृंगार, शरीर के श्रृंगार में केवल भूल मत जाना, शरीर के खान पान भोग विलास में जिंदगी को समाप्त मत कर देना, ये शरीर मोक्ष के लिए प्राप्त हुआ है, आत्म कल्याण के लिए मिला है, इस शरीर को आलस्य में भी मत बिता देना, सोने में भी समय मत गंवा देना, क्योंकि जिंदगी का लक्ष्य केवल सोना भी नहीं है, माया मोह की नींद से जागो, संतों जागत नींद न कीजिए, कबीर साहब कहते हैं, संतों जो जाग जाता है वही संत है, जो सोया है वही संसारी है। स्वामी महावीर ने कहा है, असुत्ता मुनि सुत्ता अमुनि, जो सोया है वो संसारी है, जो जाग गया है वही संत हो गया है। जागो माया मोह की नींद से, आपका जीवन सुख शांति से पूर्ण हो, आपकी चिंता मिटे, आपका कल्याण हो, धैर्य आपके अंदर जागृत हो। आया कबीरा फिर गया, संसार के सत्य को कबीर साहब समझा रहे हैं कि जीव संसार में आता है और एक दिन समय पूरा होते ही शरीर को छोड़कर, संसार रिश्तों को छोड़कर चल देता है। आत्मा तो अमर है, अजर है, अविनाशी है, लेकिन ये शरीर नाशवान है। शरीर के रिश्ते नाते होते हैं, आत्मा का कोई रिश्ता नाता नहीं होता है। इसलिए किसी की मृत्यु हो जाए तो बहुत दिनों तक मत रोना, क्योंकि शरीर जिससे रिश्ता था वो यही है, जिसको तुमने दफन कर दिया है, आत्मा का किसी से रिश्ता नहीं है। आज जो स्त्री के रूप में बैठा है आत्मा, कल मरने के बाद पुरुष के रूप में भी जन्म ले सकता है। आज जो अमीर के घर में जन्म लिया है, कल मरने के बाद गरीब के घर में भी पैदा हो सकता है। आज जो तुम्हारा मामा बनकर बैठा है, अगले जन्म में वो भांजा बनकर भी बैठ सकता है। एक जन्म की पुत्री मरकर है पत्नी बन जाती, फिर आगामी भाव में माता बनकर पैर पो जाती, पिता पुत्र के रूप जन्मता बैरी बनता भाई, पुत्र त्याग कर देह कभी बन जाता सगा जमाई, बन जाता सगा जमाई। ये आत्मा के गुणों को समझना, कभी कभी ये आत्मा तुम्हारे घर में शत्रु की आत्मा पुत्र के रूप में आकर जन्म लेती है, और इसलिए जन्म लेती है जो भी उसके साथ में शत्रुता थी उसका सब बदला देने के लिए आई है। और शत्रु की आत्मा अगर पुत्र के रूप में तुम्हारे घर में जन्म लेगी तो उसकी पहचान है कि बचपन से वो बहुत बीमार रहेगा, उसको लिए लिए तुम हर डॉक्टर के पास में चेकअप कराते रहोगे, इलाज कराते रहोगे, ना तो बीमारी का पता चलेगा ना बीमार ठीक होगा। और जब थोड़ा सा वो बड़ा होगा, स्कूल जाएगा, तो पढ़ने में भी बहुत फेलियर होगा, बार बार फेल होगा, उसके पीछे तुमको बहुत चिंता टेंशन करना पड़ेगा। और फिर थोड़ा सा बड़ा होगा
तो नशा व्यसन भी करेगा, बचपन से ही पुड़िया खाएगा, जर्दा खाएगा, बीड़ी पिएगा। तुम बहुत मना करोगे फिर भी मोबाइल लिए लिए घूमता रहेगा, कान में लगाए रे हाय रे हाय रे करता रहेगा। तुम डांटोगे तो कहेगा जहर खा लूँगा, कुछ नहीं कहोगे तो कहेगा गोबर खा लूँगा। ऐसा दिमाग खराब करता रहेगा तुम्हारा। तो समझ लेना ये शत्रु की आत्मा पुत्र के रूप में आकर पैदा हो गई है, तुम्हें दुख दे रही है। और कभी कभी भाई की आत्मा पुत्र के रूप में आकर जन्म ले लेती है। जब भाई की आत्मा पुत्र के रूप में आकर जन्म ले तो समझ लेना वो बचपन से ही तुम्हारी आज्ञा भी मानेगा, कंधे में कंधा मिलाकर चलेगा और कहेगा पिताजी घबराना मत, मैं साथ में हूँ, जहाँ तुम्हारा पसीना गिरेगा वहाँ मैं अपना खून गिरा दूँगा, पिताजी चिंता मत करना। तो समझ लेना ये भाई की आत्मा कुछ भाईचारा का कर्मों का लेन देन बकाया था वो अदा करने के लिए आई है। और कभी कभी पिता की आत्मा पुत्र के रूप में आकर जन्म ले लेती है, इसलिए कभी पिता को सताना नहीं चाहिए, अन्यथा वो लौट कर आ जाएगा, आपको पुत्र बनकर सताएगा। यदि तुमने पुत्र बनकर किसी पिता को सताया है, यदि आपने बहू बनकर किसी सासू को तुमने सताया है, तो सासू की आत्मा तुम्हारी बहू बनकर आएगी और तुमको पूरा कर्म का फल दे देगी, इसलिए सताना मत। क्योंकि संसार पूरा कर्मों का ही खेल है। कबीर, कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए, आम कहाँ से खाए। जब पिता की आत्मा पुत्र के रूप में जन्म लेती है उसकी क्या पहचान है, वो बचपन से तुम्हारी आज्ञा नहीं मानेगा, बल्कि वो तुमको आदेश देगा और कहेगा पिताजी आज किरणापुर बाजार चले जाना, लिस्ट देता हूँ ये सामान खरीद लाना, और शाम को मेरी ससुराल जाकर मेरी वाइफ को ले आना, और कल खेत में पानी सिंचाई होगी उसमें आपको लगना है। तुमको ऐसे आदेश देगा, तुम कभी कभी परेशान हो जाओगे और कहोगे क्या तू मेरा बाप है, अकल बताता है। वास्तव में वो बाप ही आया है, अकल बता रहा है। और कभी कभी जब तुम्हारे बहुत पुण्य होते हैं तो पुत्र के रूप में पुत्र की आत्मा का जन्म होता है, और पुत्र के रूप में जब पुत्र आता है तो याद रखना उसकी पहचान है बचपन से वो तुमसे बहुत प्रेम करेगा, तुम्हारे साथ रहेगा, तुम जहाँ बिठा दोगे बैठ जाएगा, स्कूल खुशी से जाएगा, अच्छे नंबर लाएगा, तुम्हारी बात मानेगा, तुम्हारे पैर भी दबाएगा और जो काम बताओगे करेगा, हंस करके तुम्हारे गोद में लिपट जाएगा और तुमको कहेगा पिताजी मुझे छोड़ के मत जाना। तो समझ लेना ये पुत्र के रूप में ही पुत्र की आत्मा आ गई है, अब इसके साथ में तुमको सुख भी मिलेगा, प्रसन्नता भी मिलेगी, आनंद भी मिलेगा। इतना पुण्य जरूर कमा लेना, तुम्हारे घर में एक पुत्र हो दो पुत्र हो, लेकिन पुत्र के रूप में ही पुत्र का जन्म हो, पुत्री के रूप में ही पुत्री आए, कोई दूसरे रूप में ना आए, आपका घर सुख शांति से पूर्ण हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। और आज मैं वो फार्मूला बता देता हूँ, गृहस्थाश्रम में सुख कैसे आता है, विदुर जी के फार्मूले भी छे दे देता हूँ सारट में, और जल्दी से फिर समाप्त कर देता हूँ। रतन का जतन कर माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। कबीर साहब कहते हैं अहंकार मिथ्या है, इसको छोड़ देना, नम्रता रखना, सरलता रखना, आपका कल्याण होगा, आपका उद्धार होगा। अहंकार हमेशा दुख देता है। मैंने सुना है कोई राजकुमार जंगल में सैर करने गया,
अहंकारी राजकुमार था। घूमते घूमते जंगल में रास्ता भटक गया। बड़ी मजेदार कहानी है, ध्यान से सुनना। प्यास लगी, कुएं के पास गया, रस्सी बाल्टी में बांधकर पानी भरने चला, तो उसे याद आ गया, मैं राजा का बेटा रायजादा हूँ, मैं पानी कैसे भर सकता हूँ, पानी भरना तो कहारों का काम है। एक किनारे बैठ गया। थोड़ी देर में मंत्री का बेटा भी जंगल की सैर करने निकला था, उसे भी प्यास लगी, वो भी वहीं आया कुएं के पास। मंत्री के बेटे को देख करके राजकुमार ने कहा, आइए पानी भरिए, पीजिए, पिलाइए, पानी पिलाना बहुत बड़ा पुण्य होता है। मंत्री के बेटे ने कहा, अगर पानी पिलाना पुण्य है तो ये तुम स्वयं क्यों नहीं पिला देते हो, हमारे लिए पुण्य क्यों छोड़ा है। तो राजकुमार ने कहा, मैं राजा का बेटा रायजादा हूँ, इसलिए पानी नहीं भर सकता, पानी भरना कहारों का काम है। तो मंत्री के बेटे ने कहा, फिर तो मैं मंत्री का बेटा मंत्री ज़्यादा हूँ, मैं भी पानी नहीं भर सकता, ये कहारों का काम है। दोनों एक ही मॉडल बैठ गए पास पास। थोड़ी देर में तीसरा व्यक्ति आया जंगल की सैर करने, प्यास लगी, कुएं के पास पहुँचा। तीसरे को देख कर दोनों हंसते हैं और कहते, आओ पानी भरो, पिलाओ, बहुत बड़ा पुण्य होगा। तीसरे ने कहा, जब इतना ज्ञान है कि पानी पिलाने से पुण्य होगा, तो ये पुण्य तुम खुद क्यों नहीं कमाते हो। तो राजकुमार ने कहा, मैं राजा का बेटा रायजादा हूँ, इसलिए पानी नहीं भर सकता, पानी भरना कहारों का काम है। मंत्री के बेटे ने कहा, मैं मंत्री का बेटा मंत्री ज़्यादा हूँ, इसलिए पानी नहीं भर सकता, ये कहारों का काम है। तो तीसरे ने कहा, मैं भी अमीरों का बेटा, अमीर ज़्यादा हूँ, मैं भी पानी भर कर नहीं पी सकता। तीनों एक ही मॉडल इकट्ठे हो गए। थोड़ी देर में एक चौथा व्यक्ति आया, उसको देखकर तीनों ने कहा, आओ धन्यवाद, नमस्कार, पानी भरो, पिलाओ, बहुत बड़ा पुण्य होगा। चौथे ने कहा, बहुत बड़ा पुण्य होगा तो तुम क्यों चूक गए पुण्य कमाने में, तुम हमको पिलाओ। राजकुमार ने कहा, मैं राजा का बेटा रायजादा हूँ, इसलिए पानी नहीं भर सकता। मंत्री कुमार ने कहा, मैं मंत्री का बेटा मंत्री ज़्यादा हूँ, इसलिए पानी नहीं भर सकता। तीसरे ने कहा, मैं अमीरों का बेटा अमीर ज़्यादा हूँ, इसलिए पानी नहीं भर सकता। तो चौथा बोला, मैं कौन हूँ आपको पता है। उसने बाल्टी उठाया, रस्सी बांधा, पानी भरा और पी लिया, और बाल्टी में जो पानी बचा लात मार कर लुढ़का दिया और कहा, तुम राजा के बेटे रायजादा हो, इसलिए पानी नहीं भर कर पी सकते। तुम मंत्री के बेटे मंत्री ज़्यादा हो, इसलिए पानी भर कर नहीं पी सकते। तुम अमीरों के बेटे अमीर ज़्यादा हो, इसलिए पानी भर कर नहीं पी सकते। तो मैं कौन हूँ पता है। तुम रायजादा, मंत्री ज़्यादा, अमीर ज़्यादा हो, इसलिए पानी भर नहीं सकते हो। मैं हूँ पक्का हराम ज़्यादा, मैं एक बूंद नहीं पिला सकता। राय ज़्यादा, मंत्री ज़्यादा, अमीर ज़्यादा को मिला हराम ज़्यादा। इस दुनिया में हराम ज़्यादा भी बहुत है। जिनको अहंकार था वो प्यासे बैठे हुए हैं। छोटा से छोटा काम भी अपने हाथ से कर लो, और बड़े से बड़े अहंकार को तोड़ने वाला छोटा सा काम होता है। जितनी छोटी सी छोटी सेवा होगी, उतने बड़े से बड़े अहंकार को तोड़ेगी। दान करने से लोभ नष्ट होता है, और छोटी सी छोटी सेवा करने से अभिमान नष्ट होता है। इसलिए दान भी करना चाहिए। धन्यवाद। किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, कि भक्ति कब से करना चाहिए। तो कबीर साहब कहते हैं, बाल्यावस्था से भक्ति का शुभारंभ करना चाहिए। बाल्यावस्था
युवावस्था और वृद्धावस्था, तीन मुख्य अवस्था है। तीनों अवस्था की व्यवस्था भी अलग अलग है। बचपन खेल कूद और विद्या अध्ययन के लिए होता है, युवावस्था धन कमाना, मकान बनाना, शादी विवाह करना, संसार की बहुत सी माया के कार्य करने के लिए होती है, लोग करते हैं। वृद्धावस्था को संसार के लोगों ने कहा है भक्ति करने के लिए, परंतु वृद्धावस्था एक असमर्थ अवस्था है, असहाय अवस्था है, कमजोर अवस्था है। चलना फिरना सुनना देखना भी कम हो जाता है। रिष्ट की अवस्था है, विश्राम की अवस्था है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो वृद्धावस्था में भी विश्राम पाते हो। वृद्धावस्था में तो लोगों के पास में ज्यादा जंजाल हो जाता है। बूढ़े लोग ज्यादा चिंतित और दुखी दिखाई देते हैं। आज अमेरिका से बात हो रही थी हेमंत भाई वैद्य से, वैद्य नहीं है वे, उनकी सरनेम वैद्य है। वाशिंगटन में जिनके पास में दो होटल है, एक पेट्रोल पंप, तो कह रहे थे किस्मत का खेल है गुरुदेव। पेट्रोल पंप में आकर एक ट्रक लड़ गया, दो आदमी मर गए तो वो भी बंद हो गया। बड़ी होटल किराए से दिया था, बेईमान लोग सब बर्बाद करके भाग गए, वो भी बंद हो गई। छोटी होटल में टोटल काम चल रहा। मैंने कहा हेमंत भाई, कभी गर्मी कभी सर्दी ये कुदरत के नजारे हैं, कभी गर्मी कभी सर्दी ये कुदरत के नजारे हैं, प्यास से वही भी रह जाते जो दरिया के किनारे हैं, जो दरिया के किनारे। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। हर व्यक्ति को अकेले उड़ान भरना है। घबराने से जीत भी हार में बदल जाती है, धैर्य और साहस रखने से हार भी गले का हार बन जाती है। असफलता कहते हैं, बाहर की असफलता असफलता नहीं है जब तक तुम भीतर से हारते नहीं हो। अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव हारने के बाद भी भीतर से नहीं हारता है, 16वीं बार फिर चुनाव लड़ता है और अमेरिका का राष्ट्रपति बनकर बैठ जाता है। बाहर की हार हार नहीं होती है, जो भीतर से हार जाता है असली वह हार होती है। भीतर से यदि तुम हार नहीं पाए हो तो फिर से हार तुम्हारी जीत में बदल जाएगी। धैर्य मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्काल पर रखिए चारी। धैर्य मित्र नारी
और धर्म, इनकी परीक्षा आपत्ति के समय होती है। ऐसे तो हर स्त्री कहती है मैं पतिव्रता हूं, लेकिन जब पति संकट में हो, पति बीमार हो, पति धनहीन हो गया हो, बलहीन हो गया हो, पति कमजोर हो, सब तरफ से टूट गया हो, तब भी जो पत्नी बैठकर अपने पति के पास में पंखा डुलाए, भोजन पकाकर खिलाए, उसी पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। कबीर साहिब कहते हैं, राम न रमस कौन दंड लागा, मर जेबे का करीबे अभागा। हे इंसान, तू राम में रमण क्यों नहीं करता है, तुझे कौन सा पाप लगा है, जब तू मर जाएगा तब क्या करेगा। मृत्यु सत्य है और मृत्यु निश्चित है और मृत्यु जिनका जन्म हुआ है उनकी एक दिन होती ही। संसार संयोग और वियोग का स्टेशन है, मिलन और बिछुड़न का केंद्र है, आवागमन का संसार है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जात जंजीर, एक बांधे जात जंजीर। हम आप इस दुनिया में आए हैं, कोई यहां परमानेंट रहने के लिए नहीं आया। बातें समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। बातें समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनिया। और न लो अब परीक्षा हमारी, और न लो अब परीक्षा हमारी, आई शरण हम प्रभु जी तुम्हारी। और न लो अब परीक्षा हमारी, आई शरण हम प्रभु जी तुम्हारी। अंतिम आशा भरोसा तुम्हारा, अंतिम आशा भरोसा तुम्हारा। थक गया हूँ चाहूँ और सहारा, दृष्टि दया की करो मंगलकारी, आई शरण प्रभु जी तुम्हारी। दृष्टि दया की करो मंगलकारी, आए शरण हम प्रभु जी तुम्हारी। जिन पे भरोसा करके समय अपना, दोहराओ सब लोग। जिन पे भरोसा करके समझात अपना, टूटा भरम सारा
मिथ्या का सपना, टूटा भ्रम सारा मिथ्या का सपना, टूटा भ्रम सारा मिथ्या का सपना, मतलब की है सब की यारी, आए शरण हम प्रभु जी तुम्हारी, और न लो अब परीक्षा हमारी, और न लो अब परीक्षा हमारी, आए शरण हम प्रभु जी तुम्हारी, गुरु जी तुम्हारी, साहिब बंदगी साहिब।